हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अवर चैनल विथ न्यू बाइनरी लर्निंग वीडियो इसको क्या हो गया स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस चैनल पे एक नए बाइनरी लर्निंग वीडियो के साथ सो so, uh, पता नहीं हाँ चलो uh, आज के इस वीडियो में हम लोग uh, कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं लाइक like, uh, इसके पहले मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी uh, सारा साइकोलॉजिकल पॉइंट्स डिस्कस किया कैंडल का फिर माइंड सेटअप का मैं यहाँ पर सीधा रफ थ्रेड करने वाला हूँ ठीक है मतलब लाइक जैसे चलो बहुत अच्छा कैंडल तो मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं रफ़ ट्रेड करने वाला हूँ इन सेंस कि जैसे कैंडल्स uh, का रिएक्शंस होता है वन मिनट का उसी के बेस पे मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड लिया और देखेंगे हम लोगों का कितना एक्यूरेसी रह रहा है मेरा जो यहाँ पे आप देख रहे हो नौ हज़ार के आसपास मैं यहाँ पर रफ़ ट्रेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि uh, मैंने ऑलमोस्ट हज़ार बारह से ये नौ कर लिया ठीक है तो अब मेरा जो ये रिस्क मैं आज का जो यहाँ पे ट्रेड करने वाला हूँ पूरा 9000 का रिस्क लेने वाला हूँ और मैं देखूंगा इसको मैं किस तरीके से ग्रो कर रहा हूँ और कितना तक लेके जा पा रहा हूँ ठीक है तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा और मैं यहाँ पे सीधा लाइव ट्रेड करने वाला हूँ बहुत सारा लाइव ट्रेड करने वाला हूँ तो सारा लाइव ट्रेड यहाँ पे आप लोग देख देखने को मिलेगा जैसे मैं ये ये जो ट्रेड लिया ना मैं ट्रेंड के साथ हूँ बिल्कुल वॉल्यूम के साथ ब्रेक डाउन दे रहा है मैं ट्रेड के ट्रेंड के साथ मैं ट्रेड कर रहा हूँ यहाँ पे ज्यादा मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूँ ठीक है आप लोग देखना किस तरीके से मेरे यहाँ पे काम हो रहा है और कैसा क्या काम हो रहा है देखो यहाँ पे मेरे को बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटी बना है यहाँ पे डबल टॉप है मैं एकदम एकदम फटाफट रफ ट्रेड करूंगा ठीक है और देखूंगा किस तरीके से तो आपको भी यहाँ पे ट्रेड समझ में भी आएगा मैं बताऊंगा देखो यहाँ पे डबल बॉटम है ठीक है इसने आया नीचे यहाँ तक गया तो यहाँ तक मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनेगा डबल बॉटम है और ये एक डाउन ट्रेंड डाउन में था बड़ा कैंडल बना सो so दैट्स मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया हुआ था तो अभी ओवरऑल देखेंगे दस हजार के आसपास है अभी देखते हैं कहां तक इस बैलेंस को लेके जा पाते हैं मेरा जो रिस्क रहने वाला है यहाँ पे पूरा पूरी दस हजार का रिस्क रहेगा अगर मैं इसको बीस हजार बना देता हूँ तो रोक दूंगा ठीक है ओके okay. तो चलिए हम लोग अभी स्टार्ट किए हुए वीडियो तो स्टार्ट ही है आप लोग देखते रहो और कैसे क्या ट्रेड बन रहा है कैसे क्या हो रहा है मैं सारा चीज आप लोगों को यहां पे बता रहा हूं ठीक है आपको दिखेगा कि क्यों मैंने यहां पे ट्रेड ले रहा हूं क्यों यहां पे सिस्टम में जा रहा हूं क्योंकि यहां पे मैंने बाइंग साइड का ट्रेड लिया बिकॉज ऑफ दिस डबल बॉटम ठीक है एक डबल बॉटम दिख रहा है मुझे अभी ये कंटिन्यूसली किया तो एक ग्रीन कैंडल भी यहां पे ऑफकोर्स बनना चाहिए ठीक है नहीं बनता है कोई दिक्कत नहीं अपना ये ट्रेड जो है मैंने आपको पहले ही बताया मैं यहाँ पे रफ ट्रेड करने वाला हूँ तो उसका जो रिजल्ट है क्या बनने वाला है वो आपको दिख जाएगा ठीक है अभी फिलहाल देखो यहाँ पे तो मैं यहाँ पे एक डाउन डाउन का भी एक डायरेक्शन का ट्रेड लूंगा बिकॉज यहाँ पे बहुत अच्छा कैंडल बना नहीं है हो सकता है ये ट्रेंड मेरे को एक ट्रेड से पता चल बाकी ये जो तीन ट्रेड लिया था वो भी अब हम लोगों का फर्स्ट क्लास गया है एकदम अभी यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया हुआ है बिकॉज मेरे को लगता है ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा बिकॉज ये वाला जो पॉज कैंडल बना है एक डोजी टाइप का अगर इसका हाई भी ब्रेक कर देता है तो फिर बाइंग साइड का एक अच्छा ट्रेड लेंगे लो ब्रेक कर देता है तो बहुत अच्छा ट्रेड हम लोग डाउन साइड का करेंगे ठीक है बस रफ ट्रेड मैं करने वाला हूँ तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलाऊँ आराम से देखिएगा इसको मैं बीस हजार तक लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बट रिस्क जो रहेगा मेरा पूरा दस हज़ार का रहेगा ओके तो ट्रेड करूंगा मैं एक सौ चालीस रुपये का इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं भरने वाला मैं ओके तो देखिए बहुत मजा आने वाला है सारा ट्रेड का लॉजिक आपको खुद समझ में आएगा और बाकी मैं भी आप लोगों को एक्सप्लेन करता रहूँगा ये बॉटम का है यहाँ पे एक डोजी बनाया अगर इसके लो ब्रेक करता है तो मैं डाउन साइड का ट्रेड लूंगा इसीलिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लगा दिया है देखो इसका लो आई थिंक यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया है नहीं ब्रेक कर पाया है बीच में ही फंसा हुआ है ध्यान से देखना यहाँ पे बीच में ही फंसा हुआ है भाई साहब ठीक है ये देखो बीच में ही फंसा हुआ है इसका लो नहीं ब्रेक कर पाया है ठीक है ना हाई ब्रेक कर पाया तो यहाँ पे अब ट्रेड नहीं बनेगा चलो कोई नहीं दूसरे पेयर्स में देखते हैं ठीक है अभी सपोज एक ग्यारह हजार के आसपास हुआ है, देखो यहाँ पे मेरे को एक आ, अपसाइड का ट्रेड दिख रहा है तो मैं अपसाइड का दो अपसाइड का ट्रेड लिया बिकॉज ये इतना बड़ा कैंडल नीचे आया फिर एक एंगल किया है ग्रीन कैंडल ने तो मैं यहाँ पे एक अपसाइड का ट्रेड लिया हूँ अभी डाउन साइड में गिरता है इसके लो ब्रेक करेगा तो फिर डाउन साइड को देखूंगा नहीं तो मैं फिर एक अपसाइड का ही बहुत सारा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करने वाला हूँ तो वेट करते हैं देखते हैं कैंडल का क्या रिएक्शन होता है उसके हिसाब से अपने को समझ में आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे मैंने दो ट्रेड प्रेस किया हुआ है मतलब लिया हुआ है अभी देखते हैं कैंडल का रिएक्शंस क्या होता है उसके साथ फिर एक ट्रेड लेंगे ठीक है हाँ वेट करते हैं थोड़ा सा ग्यारह सेकेंड बचा हुआ है एक नहीं बहुत सारा मैं ट्रेड लेने वाला हूँ ठीक है फटाफट ट्रेड करूँगा रफ़ ट्रेड करूँगा ओके तो बने रहो मज़ा आने वाला है मज़ा आएगा तो लाइक जरूर करना ठीक है ओके सो चलो मैंने यहाँ पर बहुत सारा ट्रेड एग्जीक्यूट किया हुआ है ठीक है ऑलमोस्ट आई थिंक चार पाँच हज़ार का एग्जीक्यूट कर दिया मैंने ओके चलो बहुत अच्छा ट्रेड बनने वाला है ये ओके बिकॉज अगर ये एंगल्फ नहीं कर पाया है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है ट्रेंड कंटिन्यू करेगा ठीक है अगर ये डायरेक्शंस में नहीं गया तो ट्रेंड कंटिन्यूअसली कर सकता है तो अपना जो यहाँ पे ट्रेड है बहुत अच्छा विन होने वाला है वेट करते हैं थोड़ा सा कहीं और भी देखते हैं आठ नौ हज़ार नौ दस ग्यारह बारह हज़ार के समथिंग आ जाएगा अपने पास ठीक है हाँ तो आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा है मैं रफ़ ट्रेड कर रहा हूँ मैं पहले ही बोल रहा हूँ कैंडल्स को देख रहा हूँ और मैं ट्रेड कर रहा हूँ ठीक है ओके okay? सो so, अगर ये भी ट्रेड अपने को मिल जाता ना तो बहुत मज़ा आता बट इट्स ओके चलो कोई नहीं आई uh, थिंक ये वाला ट्रेड जो है अपना दस नौ आ, ये ट्रेड अपना जो है ना लॉस में जा रहा है चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, कोई नहीं। मैं सारा का सारा, सारा लगाना क्योंकि तो अब ये जो ट्रेड है मेरा फेल नहीं जाएगा ओके क्योंकि फेल एक ही बार जाता है दो बार नहीं जाएगा ये यहाँ का नियम है ठीक है मतलब इस आई टी uh, का नियम है मैं आई बोल रहा हूँ ये ओ का नियम है कि आपका अगर फेल एक एक साइड का एक ही बार जाएगा एक साइड का दो बार कभी नहीं जाएगा ओके सो so, देखो आप लोगों के सामने सारा चीज़ हो रहा है रफ ट्रेड का मतलब क्या होता है पता है आपको एकदम से कंटिन्यूअसली सारा चीज़ पता लग ले पता लगने लग जाएगा कि कैसे क्या, क्या हो रहा है कैसे क्या, क्या आप इमोशनली बेस्ड नहीं हो ना आप कैंडल्स देख रहे हो आप ट्रेड कर रहे हो कैंडल्स देख रहे हो आप ट्रेड कर रहे हो तो एट दैट मोमेंट तक आपको पता चल जाएगा आपका कितना रिटर्न मिला है अगर वो रिटर्न से आप खुश हो तो बंद कर दो नहीं खुश हो तो और ट्रेड करो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप इमोशनली ट्रेड तो नहीं करो कर कि भाई दस का बीस हजार बीस का तीस हज़ार वो तीस हज़ार बनेगा जल्दी से निकालेंगे तीस का ये करेंगे वो करेंगे आप इमोशनली ट्रेड नहीं कर रहे हो सीधा कैंडल्स पर फोकस हो आप ट्रेड कर रहे हो तो ये ट्रेड में क्या होता है पता है आप आपको ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक फेस नहीं करना पड़ेगा मतलब जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आपको यहाँ पे ठीक है देखते हैं इसमें से कितना अपना विन गया क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे न, सारा विन गया हाँ सारा विन चले गया चलो ठीक है आ, बहुत अच्छा अच्छी बात है यहाँ पे ओके <laughs> सो okay, so, हम लोग देखते हैं यहाँ पे न, और, कुछ और कुछ और कुछ और कुछ देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट बारह के आसपास है ठीक है मैंने क्या बोला आपको एक साइड में एक ही बार आपको लॉस जाएगा दो बार नहीं जाएगा ये ओ का नियम है ठीक है तो उसको देख के आप लोग काम करना ओके क्योंकि एक ऐसा वीडियो होना चाहिए जहां पे थोड़ा ट्रेडिंग के ट्रेड लाइव ट्रेड भी होना चाहिए ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मजा आए कि हाँ भाई कुछ तो हो रहा है कुछ तो ट्रेड हो रहा है नहीं तो क्या है ना ज्यादातर मैं बात करूंगा तो लाइव बातें भी चलेगा मतलब साइकोलॉजिकल वीडियो भी आएगा और लाइव ट्रेड भी आएगा ताकि क्या ना दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहे आपको पता चले कि रियलिटी होता है क्या क्योंकि जिस तरीके से साइकोलॉजी में बता रहा हूँ कहीं ना कहीं मेरे पास भी तो इंप्रूवमेंट होना चाहिए तभी तो मैं बता पा रहा हूँ ना है कि नहीं बताओ देखो यहाँ पे बहुत अच्छा मेरे को एक डाउन का सिस्टम दिख रहा है ठीक है क्योंकि इसने इसको ब्रेक डाउन दिया है अगर देखोगे इसका ब्रेक डाउन दिया है तो चांसेस इज़ वेरी है कि ये थोड़ा सा कंटिन्यूअसली करे देखते हैं क्या करता है दो ट्रेड लिया हूँ अभी फिलहाल तो ठीक है फिर फिर थोड़ा एग्रेसिव होऊंगा मैं अभी नहीं अभी चलने देते हैं थोड़ा आहिस्ता चलता है ठीक है देखते हैं कहाँ तक इसको परफॉर्म कर पाते हैं वीडियो लंबा हो सकता है ठीक है बस अभी कितना मिनट हुआ है सात मिनट हुआ है लंबा हो सकता है ठीक है तो देखना पूरा वीडियो ओके और कुछ और कुछ और कुछ, कुछ. यहाँ पे भी कुछ नहीं मिल रहा है चलो यहाँ पे अगर हम देखते हैं देखते हैं कि कैंडल कैसे बनाता है ठीक है तो फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे पहले कैंडल का क्लोजिंग देख लेते एक बार तो हम लोग ट्रेंड कंटिन्यूसली करेगा वो हम लोग समझ जाएंगे तो ये जो ट्रेंड है ना कंटिन्यूसली करने वाला है यहाँ पे ठीक है अच्छा ट्रेड बनेगा बाइंग साइड का ही बहुत बेस्ट ट्रेड बनेगा क्योंकि तो कंटिन्यूसली करेगा मैंने आपको क्या बोला एक ही बार ये ट्रैप करता है दो बार ट्रैप नहीं करते एक जगह पे ये हम लोगों का ट्रेडिंग नहीं है कि एक बार ट्रैप किया फिर एक बार ट्रैप कर रहा है फिर एक बार ट्रैप कर रहा है दिमाग ख़राब कर देता है ट्रैप कर करके यहाँ पे वो नहीं है ओ मार्केट में वो नहीं है आपको लगेगा मतलब अगर आप सपोज़ एक ट्रेड में लॉस गए तो दोबारा अगेंस्ट उसी के साथ में अगर फेवर में चले गए तो वो ट्रेड आपका लॉस नहीं जाएगा ये इसका नियम है मतलब ये इसी कंडीशन के साथ चलता है ठीक है अगर आप सपोज एक कंटिन्यूसली डायरेक्शंस में ट्रेड ले रहे हो अगर वहाँ पे आपको लॉस गए अगर आप अगेन वो इंगल्फ करके जा रहे हो तो आप अगर वो ट्रेड करोगे तो वो आपका लॉस में नहीं जाएगा वो कंटिन्यूसली चला जाएगा लॉस अगर होता भी हो सकता है एक दो ट्रेड लॉस करे बाकी नहीं लॉस होगा अगर आपको पता है कि रफ ट्रेड का क्या सिस्टम होता है कैसे ट्रेड करना होता है जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारा ट्रेड लगाया देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यहाँ पे। सारा का सारा ट्रेड अब हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो अपना एक आध ट्रेड लॉस में जाए बट यहाँ पे अपना जो सारा ट्रेड है सारा का सारा विन है यहाँ पे ठीक है तो ऑलमोस्ट देखोगे कि यहाँ पे चौदह हज़ार के आसपास हो चुका है ओके सो so, और देखते हैं और देखते हैं कहीं पर मैं यहाँ पे बीस हज़ार करूंगा मतलब दस का दस ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट देन उसके बाद छोड़ दूंगा ठीक है तो देखते हैं देखते हैं और कुछ देखो यहाँ पे एक कंटिन्यूसली डायरेक्शन में ट्रेड है ठीक है एक कंटिन्यूसली डायरेक्शन में ट्रेड है यहाँ पे टाइम स्पेंड किया फिर एक डायरेक्शन बना रहा है डाउन साइड का फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है अब ये हो सकता है ये वाला टाइम स्पेंड करे या ये वाला टाइम स्पेंड करे डिपेंड करता है कि क्योंकि अल्टीमेट यहाँ पे जहाँ तक दिख रहा है प्राइस आ सकता है तो कंटिन्यू ट्रेड यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आ सकता है तो ये देखते हैं किस तरीके से क्या अपॉर्चुनिटी बनता है देन हम लोग फिर यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे पहले समझेंगे कि किस डायरेक्शन में ट्रेड जा रहा है देन फिर अच्छे लेवल पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे ठीक है सपोज अगर ये डाउन ट्रेंड एग्जीक्यूट करता है मतलब डाउन में ही आता है तो हम लोग यहाँ पे जहाँ तक मुझे दिख रहा है ये डाउन नहीं जाएगा चलो मैं दो ट्रेड पहले एग्जीक्यूट करता हूँ ठीक है क्योंकि डाउन जाएगा तो इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेगा और करेगा भी तो इसको ब्रेक करके फिर डाउन आ सकता है मतलब इस वाले लेवल को ब्रेक करके फिर डाउन आ सकता है क्योंकि ये सब लेवल थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए जैसे पॉज हुआ फिर ऊपर गया फिर पॉज हुआ फिर ऊपर गया फिर पॉज हुआ फिर ऊपर गया तो ये जो भी पॉज वाला लेवल होता है ना ये थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है इसके लिए इसको तोड़ने नहीं देगा तो इसको रेस्पेक्ट देने के लिए थोड़ा ऊपर जा सकता है देन ऊपर जाके यहाँ से अगर फॉल करता है तो बहुत अच्छा गिरेगा फिर क्योंकि इसका भी रेस्पेक्ट हो जाएगा इसका भी हो जाएगा तो इसके बाद फॉल होगा तो देखो अभी मैं देखने के लिए यहाँ पर ट्रेड लिया दो कि आ, सही में ये ऊपर जाएगा या नीचे सपोज़ अगर ये नीचे आता है तो अब जो नीचे आएगा तो मैं फिर वापस बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पर बहुत सारा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करने वाला हूँ ठीक है क्योंकि एक से मुझे पता चल जाएगा कि आखिरकार हो क्या रहा है ठीक है तो उससे अगर ये ऊपर जाता तो फिर अभी यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे नीचे आएगा तो मैं डेफिनेटली बहुत सारा यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाला हूँ ठीक है तो वेट करते हैं थोड़ा अब बीच में फंसा रहे तो फिर तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आई थिंक मेरा ये बीच में ही फंसा हुआ है ना ऊपर गया ना नीचे आया हाँ एक रिटर्न आया एक लॉस किया <laughs> चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं देखते हैं अगर इसका ब्रेकआउट करता है ब्रेकआउट देकर रिजेक्शन लेता है तो ट्रेड करेंगे ठीक है जैसे सपोज ये ब्रेकआउट देता है हाँ ये ब्रेकआउट दे रहा है ओके ब्रेकआउट देने के बाद क्लोजिंग के बाद ही अपने को समझ में आ जाएगा तो एक अच्छा ट्रेड इनिशिएट करेंगे ठीक है पहले देखते हैं क्योंकि ये भी इसका रेजिस्टेंस लेवल है देखते हैं किस तरीके से क्या करता है वेट करता है थोड़ा सा और क्या पेयर्स वगैरह मिल रहेगा देखो ये भी इसने ब्रेकडाउन दिया यहाँ पर भी एक अच्छा ट्रेड बनता ठीक है बहुत अच्छा ट्रेड बनता थोड़ा सा वेट करते हैं देखते हैं बोला ध्यान दिया इसने देखो ये भी फिर यहीं पे क्लोज करता है ना ऊपर क्लोज कर रहा है ना नीचे क्लोज कर रहा है एकदम बीच में ही है फंसा हुआ <laughs> तो इसको छोड़ते हैं देखते हैं कब तक ये बीच में फंसा रहता है ओके okay? बीच में फंसा है ना ऊपर गया ना नीचे गया डोजी डोजी बना रहा है ये मेरे ख्याल से ऊपर ही जाएगा ठीक है क्यों क्योंकि डायरेक्शन uh, में ये जो ट्रेड है ना ये कंटिन्यूसली डायरेक्शन में ट्रेड है ये पॉज लगाया फिर एक ब्रेकआउट दिया फिर एक पॉज लगाया फिर एक ब्रेकआउट दे सकता है ठीक है अब इस ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करना थोड़ा सा दिक्कत है तो ट्रेंड के साथ चलते हैं तो चांसेस इज़ वेरी आई कि अपना जो ट्रेड है वो विन हो सकता है ठीक है अब डिपेंड करता है कि कैसे विन होगा और कैसे नहीं क्योंकि बायर्स का तो प्रेशर है ऑलमोस्ट और इसका जो लेवल आ रहा है वो यहाँ तक आ रहा है तो वेट करते हैं देखते हैं क्या होता है अभी उन्नीस सेकेंड बचा हुआ है इस तरीके से क्लोजिंग मिलता है अपना इस ट्रेड का वो देख लेंगे हम लोग ठीक है जस्ट वेट ट्वेल्व इलेवन टाइव ये भी बीच में ही फंसा रहा है आई थिंक ये मेरा दोनों का दोनों दे देगा रिटर्न जहाँ तक मुझे लग रहा है नहीं तीनों लॉस करवाया बीच में फंस गया ये देखो डोजी बना दिया ये ना ऊपर नीचे गया ठीक है चलो कोई नहीं कोई नहीं देखते हैं चलो ये ट्रेड अपना जो है ना ये ट्रेड अपना विन जाएगा बिकॉज में हम लोगों का एक डाउन ट्रेंड मिल गया है ऑलमोस्ट एक अच्छा वॉल्यूम के साथ कैंडल भी है तो बहुत अच्छा एक कैंडल यहाँ पे बन सकता है रेड के साथ ठीक है देखना मैं लाइव सारा चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ तो आपको दिखेगा सारा चीज़ ठीक है क्यों क्योंकि ये इसने इसके हाई को ब्रेकआउट देके नीचे आ रहा बहुत अच्छा कैंडल बनाया तो ये ट्रैप करके नीचे आ रहा तो ये अब ग्रीन में बदलेगा नहीं यहाँ से फटाफट नीचे रेड में क्लोज करेगा बहुत अच्छा ट्रेड बनने वाला है ये भी हम लोगों का देखो कितना मस्त एकदम फटाफट नीचे आ रहा है ठीक है तो मौका नहीं देगा पाप ट्रेप पाप अब सपोज ये अगर हम लोग अपने नॉर्मल ट्रेड करते तो दस का सौ हो जाते यहीं पर ठीक है रिकॉर्ड हो रहा है ना हाँ चौदह चलो हाँ बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा होगा ठीक है मैं यहाँ पे कंटिन्यूअसली डायरेक्शन में ट्रेड जा सकता है थोड़ा और ट्रेड बनाया हूँ ठीक है हम लोग का यहाँ पर तेरह हज़ार पाँच सौ के आसपास फिलहाल तो है ट्रेड चल रहा है मतलब अपना प्रॉफिट आया है ठीक है एक डायरेक्शन में कंटिन्यूसली आ सकता ही है ये नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है फिर देखेंगे किस तरीके से क्योंकि जब एक डायरेक्शन्स बनाता है ना तो कंटिन्यूसली फॉल करता है वो फिर रुकता नहीं है ठीक है तो उसी का हम लोग फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ट्रेड मिलता नहीं है जल्दी मिलता है तो फटाफट मिलता है ठीक है एक प्रॉब्लम और हो सकता है कि ये इसका सपोर्ट लेवल है ठीक है तो हो सकता है यहाँ पे एक सपोर्टिव कैंडल बनाए लाइक ग्रीन कैंडल देन उसके बाद फिर कंटिन्यूसली फॉल करें तो देखते हैं क्या करता है ये अभी तो फिलहाल सपोर्टिव एरिया से ही एक कैंडल बना रहा है क्योंकि देखो यहाँ पे भी एक 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 प्रॉब्लमेटिक फेस है इसके लिए बट हो सकता है ये ट्रेंड को कम कंटिन्यूसली करे थोड़ा सा वेट करते हैं देखते हैं ये वाला कैंडल का क्लोजिंग कैसे मिलता है बहुत अच्छा तो मैं यहाँ पे डाउन साइड का एक मतलब एक नहीं बहुत सारा ट्रेड ले रहा हूँ ऑलमोस्ट एक हज़ार के आसपास का दस ट्रेड आई थिंक मेरा ये ट्रेड रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज ये ट्रेंड कंटिन्यूसली कर रहा है ठीक है एक तो हाँ ये ट्रेड रॉन्ग हो जाएगा मेरा ये कंटिन्यूसली कर रहा है ठीक है मैं थोड़ा सा गलत ट्रेड ले लिया हूँ क्योंकि ये कंटिन्यूसली हाई ट्रेड में ठीक है डायरेक्शन्स में मैं डाउन का इस वाले फेस को सिर्फ पकड़ रहा हूँ अगर मेरा ये ट्रेड विन हो जाता तो मेरा मेरे लिए ये ट्रेड सक्सेस नहीं हो जाएगा ठीक है क्योंकि मैंने ये ट्रेड रॉन्ग ले लिया हुआ है ठीक है चलो कोई नहीं अभी दूसरा देखते हैं इस डायरेक्शन्स में जाता है ये इसी 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 वाले डायरेक्शन को देखेंगे ठीक है एक कैंडल का क्लोजिंग होने दीजिए उसके बाद ओके क्योंकि ये कंटिन्यूसली अप करेगा मतलब अब अगर ये ग्रीन में बन जाता है अगर ये डाउन में आता है तो ये मेरा ट्रेड सही ट्रेड नहीं है मतलब आ जाता है चलो ठीक है आ गया वेरी वेल एंड गुड बट ये मेरा डायरेक्शनली मतलब मेरे लिए ये सही ट्रेड नहीं रहा क्योंकि ये एक डायरेक्शनली सही था मतलब ये डायरेक्शनली सही था बट ठीक है चलो कहीं ना कहीं ये वाला फॉर्म के हिसाब से मेरा जो ट्रेड है चल गया ठीक है ये ये डाउन ट्रेंड के चक्कर में ओके okay? तो अभी यहाँ पे मैं वापस एक ट्रेंड देखता हूँ जब कंटिन्यूसली कर ही रहा है तो थोड़ा बहुत और एग्जीक्यूट करता हूँ तो कंटिन्यूसली कर रहा है तो और अच्छा है हाँ देखो जब आप जब आप एक फ्लो में आ जाओगे ना तो कहीं ना कहीं आपको ये 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 भी फ्लो आ, फेस करना पड़ेगा ये जो फेस हुआ है ना मेरा अभी कि मैं सही नहीं हूं बट फिर भी आप सही हो रहे हो कहीं ना कहीं फिर आप सही ट्रेड लिए हो तभी आप सही हो रहे हो नहीं तो सही होने का कोई सिस्टम नहीं बनता ठीक है <laughs> समझ रहे हो ना आई होप आपको पकड़ में आ रहा है आ, बाकी आ, जो भी जो भी ट्रेड बन रहा है ना आप देखो किस तरीके से मैं ट्रेड कर रहा हूँ आपको यहाँ पे डायरेक्शन समझ में आएगा ये जो चौदह देख रहे हो ना ऑलमोस्ट मैंने तेरह सौ के आसपास था तब किया था अभी आज तो उतना ज़्यादा नहीं था आज मैं आप लोगों के साथ बैठा था आई थिंक दस हज़ार के आस अभी ज़्यादा नहीं होगा ये कल भी मैंने किया था ट्रेड कल छोड़ देता अभी देखो फोर्टी सिक्स डॉलर के आसपास में मतलब हंड्रेड एंड टेन डॉलर होगा ना तो मेरा दस हज़ार यहाँ पर कम्प्लीट हो जाएगा ठीक है अभी देखो ये वापस एक ट्रेंड कम्प्लीट करेगा यहाँ पर ठीक है मैं यहाँ पर वापस डाउन साइड का ट्रेड लिया हूँ ये ट्रेंड के साथ ही मैं खेल रहा हूँ ठीक है लगा है ना ट्रेड हाँ ट्रेंड के साथ ही मैं खेल रहा हूँ ठीक है कभी कभी समझ नहीं आता एकदम से पॉज हो जाता है कि क्या हो गया भाई भूत आ गया क्या <laughs> ट्रेंड के साथ ही खेल रहा हूँ मैं ठीक है तो देखते हैं लेट्स सी क्या होता है जब ट्रेंड के साथ दे रहा है काम बन रहा है तो क्यों ना खेला जा सके है कि नहीं बताओ अब एक पेयर पकड़ में आ जाए ना तो फिर उसको छोड़ना मत ठीक है क्या? उसी में लगे रहना जब वो जीताते रहे जीताते रहे आप उसी में लगे रहो लगे रहो क्योंकि आपका वहाँ पे जो साइकोलॉजी बन गया है ठीक है आप उस, उसको जल्दी उसको वहां से निकलो मत जब तक ट्रेड चलता रहे ट्रेंड आता रहे आप बने रहो वहां पे आपका ट्रेड बनता रहेगा ठीक है थीके? आपको दिख रहा है मेरा यहाँ पे जो डायरेक्शंस था वो सही चला गया सही चला गया तो अब ये कंटिन्यूसली इसको फॉल करवाएगा फॉल करवाएगा तो अपना जो ट्रेड है यहाँ पे कंटिन्यूसली विन होने वाला है ठीक है चलो मैं यहाँ पे दोबारा एक डाउन साइड का ट्रेड करूँगा तो आपने यहाँ पे पंद्रह हजार समथिंग बन गया साढ़े पंद्रह हजार के आसपास ठीक है एकदम कंटिन्यूसली ट्रेड बन रहा है ना समझ रहे? एक बार एक चीज पकड़ में आ गया तो फिर उसको छोड़ो मत बनाते रहो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है मज़ेदार मतलब आपको बस लाइव का इंजॉय करना है लाइव जो ट्रेड कर रहे हो ना उसका इंजॉय करना है ये इससे अच्छा इंजॉयमेंट नहीं हो सकता इंजॉय भी कर रहे हो थोड़ा बहुत बैलेंस भी बन रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पे देखो फिफ्टी सेवन डॉलर के आसपास हो गया लाइक like, सिक्सटी uh, मतलब करीबन पाँच 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 हज़ार के अप्रॉक्स तो हो ही गया कोई कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है ठीक है क्योंकि दस हज़ार हाँ पाँच हज़ार के आसपास तो अपने को दिख ही रहा है चलो वेल एंड गुड देखते हैं क्या होता है अब ये अगर इसका डायरेक्शन चेंज होता है तो छोड़ देंगे ठीक है फिर उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे अगर ये कंटिन्यू नहीं करता है तो इसको छोड़ देंगे अभी ठीक है ऑलमोस्ट हम लोग अभी भी पाँच हज़ार चार सौ के आसपास के प्रॉफिट में ठीक है और पाँच हज़ार करना है दस हज़ार हो जाएगा ख़त्म फिर इसको मैं विड्रॉल करूँगा देखना मैं आप लोगों के सामने विड्रॉल करूँगा ठीक है मैं यहाँ पर और डाउन का ट्रेड लेता हूँ एक कंटिन्यू कर सकता है ठीक है क्योंकि इसको ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया है इस वाले एरिया का ब्रेकआउट नहीं कर पाया है तो ट्रेंड साथ में है तो अगर ये काम कर गया तो बहुत अच्छा अपने को ये दो कैंडल विन हो गया ना तो इसके बाद मैं छः सात दो ट्रेड अब विन हो गया तो छः सात ट्रेड और मारूंगा यहाँ पे ठीक है तो डायरेक्शनली बहुत गंदा गिरेगा फिर ये पहले देखते हैं इसको विन करने देते हैं ठीक है ये विन होता है तो फिर सात आठ ट्रेड एक साथ मारूंगा मतलब आठ हज़ार बारह सौ का ट्रेड फिर मारूंगा ठीक है जस्ट वेन करने देते हैं इसको बहुत बहुत गंदा गिरे गया यहाँ से आई होप मज़ा आ रहा है आप लोगों को क्योंकि अब मैं यहाँ पे बात नहीं सिर्फ ट्रेड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कभी बातें भी जरूरी है कभी साइकोलॉजी भी जरूरी है कभी ट्रेड भी करना होता है मतलब काम भी करना होता है ऐसा नहीं कि सिर्फ बातें करो काम भी करना होता है ना यस तो अबे यार ये ये कैंडल बहुत अच्छा तो से चलो अभी तो हम लोग यहाँ पे रिस्क लेते हैं ठीक है

कौन से पेयर में ट्रेड करना है कैसे करना है वो आप लोगों को इस वाले वीडियो में आप लोगों को सारा का सारा क्लियर होने वाला है क्योंकि आपको पता चल गया होगा अभी तक कि जिसमें जिस भी पेयर में एक बार आपका साइकोलॉजी बैठ गया तो फिर आप वो वहाँ पे आराम से ट्रेड करो एक एक ट्रेड पहले लो देखो कैसे होता है ठीक है उसके बाद फिर देखो आप किस तरीके से आपका साइकोलॉजी बन रहा है देन फिर आपका उसी वाले पेयर्स में आप आराम से बैठे रहो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी देखो ना एक ही पेयर में मैं ट्रेड किए जा रहा हूँ सिर्फ डाउन साइड का ट्रेड ले रहा हूँ सिर्फ डाउन साइड का और सारा का सारा विन हो रहा है ऐसा नहीं कि अभी मैं फिर डाउन साइड का ट्रेड लूंगा ठीक है देखो मैं कंटिन्यूअसली ट्रेंड के साथ ठीक है फिर मैं डाउन साइड का ट्रेड लिया यहाँ पे दो ट्रेड पे। ठीक है अभी ज़्यादा नहीं दो से दो या शायद तीन ट्रेड लिया हुआ है ठीक है अभी यहाँ पे पंद्रह हज़ार आठ सौ देट मीन कहीं ना कहीं सोलह हज़ार हो गया यहाँ पे ठीक है चार हज़ार और बच्चा हुआ है वो भी कंप्लीट हो जाएगा डोंट वरी बी हैप्पी बीस हज़ार कंप्लीट होगा फिर मैं विड्रॉल मारूंगा यहाँ पे ठीक है यूएसडी के थ्रू विड्रॉल मारूंगा देखूंगा मेरा विड्रॉल का कहाँ पे क्या देर है ओके, जस्ट वेट करते हैं hmm. Hmm. अभी वैसे डिपॉजिट का क्या क्या दे रहा है डिपॉजिट का क्या क्या मिल रहा है अभी यहाँ पे यह ट्रेड भी अपना विन है ठीक है यह ट्रेड भी अपना विन है उसके ले उसको लेके देखो ना मैं पूरा ट्रेंड के साथ था ऑलमोस्ट यूपीआई भी है नेट वॉलेट नेट बैंकिंग सब चीज़ तो है यार यहाँ पे आराम से कर सकते हो देखो ये ट्रेड अपना विन गया पूरा पूरी तो मैं इसको थोड़ा सा अगर ऊपर जाता ना मैं यहाँ पे भी डाउन डाउन का दो ट्रेड सोलह हजार दो सौ मतलब ऑलमोस्ट सत्रह हजार के आसपास आ जाएगा यहाँ पे <laughs> ये भी डाउन आ रहा है ठीक है मैं एक भी अगेंस्ट ट्रेड नहीं लिया और ज़्यादा कुछ नहीं बस मैं ट्रेंड के साथ हूँ जैसा ट्रेंड गिर रहा मतलब जिस तरीके से गिरे जा रहा है मैं उस तरीके से ट्रेड लिए जा रहा हूँ डाउन का ही सिर्फ सारा का सारा देखोगे मैंने डाउन का ट्रेड लिया हुआ है सारा विन जा रहा है अपना ठीक है ऑलमोस्ट hmm. हम लोग यहाँ पे सोलह हजार समथिंग बन गया है ठीक है आ, ये हो जाएगा तो आ, ये कितना है आठ नौ दस सत्रह हजार बन जाएगा तीन हजार और रहेगा हो जाएगा वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आप लोगों के सामने ही कर रहा हूँ देखो पता चल जाएगा अब सपोज पकड़ लो यही मेरे पास दस हजार डॉलर रहता तो मैं क्या करता <laughs> क्या करता सोचो ठीक <laughs> है बस ट्रेंड के साथ हूं मैं ठीक है और कुछ नहीं कर रहा हूं ठीक है बस ट्रेंड के साथ हूं अभी रुको मैं आपको एक चीज दिखाता हूं क्या ये रहा ये इसका बॉटम लेवल है ना ये भी इसने तोड़ दिया मैं फिर यहाँ पे एक डाउन डाउन का ट्रेड करूं अब ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को यहाँ पे बॉटम लेवल है, तो थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है तो ट्रेड किया हूं अभी अगर ये दो ट्रेड फिर मैं फिर मैं बहुत सारा ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा अगर ये मैं मेरा विन हो जाता है तो क्योंकि हो सकता है ये बॉटम लेवल है तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है बट ट्रेंड काफ़ी अच्छा रहा है इसका और काफ़ी अच्छा पैसा बना है यहाँ पे तो यहाँ पे दो ट्रेड करना बनता है ठीक है हाँ थोड़ा देना पड़ता है इसको भी कि लो भाई चलो ठीक है तुम ले लो कोई दिक्कत तो वाली बात नहीं है ओके देखो ना कितना सारा यहाँ पर ट्रेड हुआ है सारा का सारा विन गया है यहाँ पर यहाँ पे एक लॉस गया है यहाँ पे कुछ लॉसेस गया है तीन ट्रेड बाकी का देखो ना सारा डाउन का ट्रेड है इसी इसी वाले पेयर में यू एच डी डी जेड यही वाला है डी जेड डी सारा इसी में गया है देखो सारा का सारा अभी यहाँ पे दो ट्रेड फेल गया बिकॉज बॉटम का ट्रेड था ठीक है तो चांसेस है कि ये फेल अभी मैं सोच रहा हूँ दो ट्रेड और यहाँ पे डाउन का ही करूँ ठीक है क्योंकि इतना बड़ा कैंडल बनाया है तो कहीं कहीं कि इसका ब्रेकआउट फिर ये नहीं दिया है ठीक है ये फिर इसका ब्रेकआउट नहीं दिया तो और ये नीचे गिर सकता है तो ये जो दो ट्रेड किया मैं वो भी अपना यहाँ पे विन हो जाएगा ओके तो मतलब अपना ऑलमोस्ट कैपिटल बराबर आ जाएगा अब इस ट्रेड को अब इस वाले पेयर्स को ना छोड़ देंगे देखो ये बार बार ना रुक जा रहा है मेरा नेटवर्क सही है ना नहीं यार कभी कभी तो पूरा रुक जा रहा है देखो नेटवर्क तो सही है ना ये क्या ठीक नो तो इंटरनेट मेरे को पता था नेटवर्क में रिकॉर्ड हो रहा है ना रुक जाओ यार नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम जस्ट मिनट कितना मस्त चल रहा था बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम पता ना आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि नहीं तब मस्त चलते रहता है और अचानक से नेटवर्क प्रॉब्लम अब कनेक्ट हुआ है अब लगता है हाँ बार बहुत 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 साइकोलॉजी पूरा नष्ट कर देता है चलो ये भी ट्रेड अपना विन चले गए ऑलमोस्ट शेट यार एक और ट्रेड बन जाता है शेट 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 चलो इट्स ओके आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रहा है देखो ये भी ट्रेड कंटिन्यू कर रहा है डायरेक्शंस कंटिन्यू जा रहा है इसका भी अपना टोटल सत्रह हज़ार ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो सिक्सटी सेवेंटी डॉलर के आसपास बन चुका है ओके 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 चलो यहाँ पे मैं दो ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ वापस अभी ज्यादा नहीं करेंगे ठीक है क्योंकि अपना एक डायरेक्शन पकड़ में आ गया तो फिर वहाँ पे ज्यादा ट्रेड मार देंगे कोई दिक्कत नहीं है ओके तो वेट करते हैं थोड़ा सा वेट करते हैं देखता है देखता हूँ मैं बीस हज़ार तक का मेरा साइकोलॉजी दे पाता है कि नहीं नहीं देगा तो मैं वहीं पे ऑफ कर दूंगा जितना भी होएगा उतना ही मैं ऑफ कर दूंगा ठीक है ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं टारगेटेड हो जाऊँ क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना ओवर एक्साइटेड हो जाता है सिस्टम तो फिर उसको रोक देना पड़ता है वहीं पर भाई रुक जा ठीक है <laughs> रुक जा अब ज़्यादा मत कर नहीं तो दिक्कत हो जाएगा hmm. तो देखते हैं किस तरीके से साइकोलॉजी यहाँ पे मेरा काम करता है वो भी आपको यहाँ पे इस वाले लाइव में समझ में आएगा क्योंकि एक्साइटमेंट बढ़ जाता है तो फिर दिक्कत हो जाता है फिर आप इमोशनली अटैक हो जाओगे अभी मेरा मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मेरा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ रहा है आपको भी समझ में आ रहा होगा तो अभी एक्साइटमेंट लेवल बढ़ेगा तो फिर प्रॉब्लम है मेरा एनर्जी एक्साइटेड में जाएगा मेरा फोकस नहीं रहेगा यहाँ पे तो जहाँ तक मैं बैलेंस कर पा रहा हूँ वहाँ तक मैं ट्रेड करूँगा ठीक है तो अब लोग बने रहो बस देखो किस तरीके से कहाँ में मैं, मैं एक्सचेंस ले रहा हूँ किस तरीके का एक्सचेंस ले रहा हूँ कहाँ पर मैं स्टॉप हो जा रहा हूँ क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं सत्रह हज़ार के आसपास आई थिंक सो कर लिए हैं आई थिंक सो ठीक गया ना हाँ सत्रह हज़ार दो सौ मतलब सेवेंटी डॉलर तो हम लोगों का हो ही गया होगा हाँ सेवेंटी वन डॉलर के आसपास हो गया है। ठीक है देखो हम लोगों का करीबन दस हज़ार के आसपास था ऑलमोस्ट उसका सात हज़ार हम लोग सत्तर परसेंट के आसपास का यहाँ पे है वो भी हंसते हंसते कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाए हम यहाँ पे कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाए बस एक ट्रेंड को पकड़े हैं उसमें खाते गए हम लोग ठीक है अभी देखो ये भी अभी भी चले जा रहे है ये यू एस डी डी जेड डी ठीक है अभी भी चले जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में देखो ये भी एक डायरेक्शन में ही चले जा रहा है अभी देखते हैं ये फुलफिल कर पाते कि नहीं ये डायरेक्शंस को वापस एक ट्रेड करेंगे ठीक है क्योंकि डायरेक्शंस बना रहा है तो फिर ये रुक नहीं रहा है चलते जा रहा है तो इसीलिए कहा गया ओ मार्केट में मैं क्यों ट्रेड करता हूँ है क्योंकि उसका जो एक व्यू होता है ना बिल्कुल क्लियर होता है उसमें कोई इसका दिक्कत वाली बात नहीं होती है चलो मैं वापस एक यहाँ पे एक पहले पहले अपसाइड का दो ट्रेड लेता हूँ देखता हूँ मेरा सही जाता है कि नहीं अगर डाउन गिरा तो ये कंटिन्यूसली डाउन गिरेगा फिर ठीक है तो पहले देख लेता हूँ कैसा क्या जा रहा है देन फिर उसी के बेस पे ट्रेड करूँगा ठीक है पहले वेट करते हैं देख लेते हैं क्योंकि बहुत ऊपर अगर चलता जाए तो ये ट्रेड चलो ठीक है इसमें अपना विन हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ओके फिर ऊपर का ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट है अगर इसके लो को ब्रेक कर देता है ना कोई रेड कैंडल बना के तो ये कंटिन्यूसली कर सकता है एटलीस्ट ये सब जोन तक तो आ ही जाएगा अपसाइड का ट्रेड थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा फिर कहाँ तक जाएगा थोड़ा कहना मुश्किल है ठीक है बट है तो ट्रेंड के साथ ही तो वेट करते हैं थोड़ा देखते हैं हाँ uh, ऑलमोस्ट अगर हम कैलकुलेट भी करें तो ये प्राइस आई थिंक सो दे देगा ये वाला जो प्राइस यहाँ से है अगर ऊपर जाता है तो ठीक है यहाँ से लेके यहाँ तक का बीच में फंसता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा ये कैंडल फिर कोई लॉजिक ही नहीं बनता है अभी तक तो चलो एक और दो ट्रेड करते हैं ऊपर ठीक है अपसाइड का ही करता है कर सकता है कंटिन्यूसली ये कर सकता है ट्रेड ठीक है कंटिन्यूसली जा सकता है ये क्योंकि ये सब जोन पे काफ़ी काफ़ी ज़्यादा लोग डाउन साइड के ट्रेड करते हैं काफ़ी ज़्यादा तो मेरे हिसाब से कंटिन्यूसली ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक दो तीन चार पाँच कैंडल बनाए तो कंटिन्यूसली मेरे ख्याल से यहाँ पे पाँच कैंडल बना सकता है ठीक है वेट करते हैं देखते हैं किस तरीके से बना रहा है क्योंकि यहाँ पे सबके सब का जो साइकोलॉजी रहता है सारा का सारा डाउन साइड का रहता है यहाँ पे क्योंकि ट्रेंड हमेशा फॉलो होता है यहाँ पे ट्रेंड के साथ ही सब चलता है यहाँ पे ठीक है तो अभी देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग का आई थिंक जहाँ तक मुझे दिख रहा है देखो एक दो तीन मतलब ये उल्टा कर रहा है एक दो तीन तीन यहाँ पे बन गया ना दो और बन सकते हैं यहाँ पे कैंडल ठीक है दो तो ग्रीन कैंडल और बन सकता है तो अब की बार थोड़ा सा यूज़ करता है ज़्यादा लेवल का ठीक है हाँ चार पाँच दो एक चलो तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं पुश करता हूँ ज़्यादा ट्रेड का हम लोग यहाँ पे सोलह के आसपास बना हुआ है ठीक है अगर हम देखें तो करीब करीब हम लोगों का सतहत्तर डॉलर के आसपास बन गया ठीक है तो ये कैंडल ग्रीन में ही क्लोज होगा बिकॉज ये फुलफिल करेगा एक दो तीन ये कैंडल पता है इतना बड़ा बनने वाला है ये जो बनना है ये उल्टा खेल रहा है मतलब एक दो तीन चार पाँच ये ऐसे बन रहा है एक दो तीन चार पाँच एक और बन सकता है यहाँ पे ठीक है एक अगर ये ट्रेड अपना विन हो जाता है तो आप यहीं पे स्टॉप कर देंगे ठीक है क्योंकि अब मेरा एक्साइटमेंट लेवल कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है तो ये सही नहीं होगा अब ठीक है यहाँ पे हम लोग स्टॉप स्टौ, करेंगे और आई होप आप लोगों को सारा चीज़ यहाँ पे बहुत मजेदार लगा होगा बीच में हम लोगों को नेटवर्क कनेक्शंस भी बिगड़ गया था थोड़ा सा साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि वहाँ एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है ना तो इसीलिए ठीक है तो ये इसको हम लोग यहीं पर एंड करेंगे ये वाला प्रॉफिट होगा हो जाएगा ठीक है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सत्रह अट्ठारह उन्नीस हज़ार में हम लोग स्टॉप कर रहे हैं अब दो हज़ार के लिए दिमाग में ज़्यादा प्रेशर देके फायदा नहीं है ठीक है ओके okay. तो एक दो तीन मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे दो ट्रेड और कर लेता हूँ क्योंकि पांच कैंडल है यहाँ पे तो ऑलमोस्ट पाँच कैंडल ले सकते हैं यहाँ पे ठीक है दो ट्रेड मतलब जस्ट दो ट्रेड तो अट्ठारह हम लोगों का उन्नीस समथिंग हो जाएगा यहाँ पे ठीक है पाँच कैंडल यहाँ पर कंटिन्यू करेगा उसके बाद हो सकता है फॉल कर सकता है ठीक है क्योंकि मैं बोला ना आप लोगों को ये जो लेवल होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये इसको कम कंटिन्यूसली कर सकता है ठीक है कितना कैंडल एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच ये खत्म यहाँ पे ठीक है क्योंकि यहाँ पे पॉज किया है ये ये आ, होता है प्राइस एक्शंस का एक फंडा होता है आप लोगों को भी पता है कि जो यहाँ से यहाँ फॉल अपसाइड गया वो यहाँ से यहाँ से, से एक अपसाइड गया तो हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट उन्नीस हजार के आसपास यहाँ पे बन गया है, ठीक है और इसको हम लोग यहाँ पे अब एंड करने वाले हैं अब ज़्यादा लालच करना बुरी वाला है ठीक है अब अगर ये डाउन भी जाता है तो दिक्कत नहीं है हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूसली एक फॉर्म देखे कि हाँ हो सकता है पाँच कैंडल बनाए डाउन भी गया तो हम इसके साथ अब ज़्यादा जबरदस्ती नहीं करेंगे ठीक है आ, देखो ना अभी पाँच हो सकता है यहाँ पे भी पॉज ले चांसेस है एंड देन फिर यहाँ से कंटिन्यूसली करे हो सकता है ठीक है तो यहाँ से एक डायरेक्शन भी चेंज कर सकते चलो कोई नहीं हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट एट्टी डॉलर के आसपास बन गया बहुत ज़्यादा है भाई ठीक है हंड्रेड हंड्रेड uh, मतलब एक हज, uh, दस हजार दस हज़ार से हम लोग करीबन अट्ठारह हज़ार बनाए ऑलमोस्ट डबल हो गया यहाँ पे ठीक है ऑलमोस्ट अगर आप बोलोगे एट्टी फोर अब मैं यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि हो सकता है देखो मनी मैटर नहीं करता है अगर यही चीज़ मेरा दस हज़ार डॉलर का भी रहता ना तो भी मैं यहाँ पे आके एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है मेरा ठीक है तो मैं सोचा था बीस हज़ार कर लूंगा अगर एक्साइटमेंट लेवल नहीं बढ़ता बीच में अगर ये कनेक्शन नहीं छूटता तो शायद मेरा स्टेबल रहता कनेक्शन छूट गया तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो गया बट आई होप आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा क्योंकि इसके पहले मैंने काफ़ी ज्यादा आप लोगों के साथ साइकोलॉजी पॉइंट शेयर किया हुआ है बीच में मैंने शायद मेरे को जहाँ तक लग रहा है ये मेरा जो मेरा ट्रेडिंग सेशन है मतलब लाइव आ, जो वीडियो ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये शायद ऐसा वीडियो मैं इसके पहले कभी शेयर नहीं किया क्योंकि जो भी मैं ट्रेड किया हूँ वो रूल के बेस पे आ, अपने प्लानिंग के बेस पे सारा ट्रेड लिया हुआ है ये जो ट्रेड है ये ट्रेंड के बेस पे एकदम रफ ट्रेड है जैसे एक्चुअल प्रो लेवल का ट्रेड होता है ठीक है इसी को प्रो लेवल का ट्रेड बोलते हैं कुछ ज्यादा दिमाग नहीं क्योंकि आपका साइकोलॉजी बन गया आपने रूल को फॉलो कर लिया अब आप अपने हिसाब से ट्रेड के डायरेक्शन को पकड़ोगे और अपने हिसाब से ट्रेड खेलोगे आई होप आपको यहाँ पे बहुत सारा चीज़ समझ में आया होगा और किस तरीके से क्या समझ में आया है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और जो भी दिक्कत होता है आपको किसी भी वीडियो में रिलेटेड अगर सपोज इस वीडियो में आपको कोई ऐसा लॉजिकल पॉइंट्स जो आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मैं आप लोगों को उसको शेयर करूंगा उस वीडियो में आप लोगों का जो भी सवाल होगा उसका आंसर का हम लोग कोशिश करेंगे ठीक है उसको शेयर करने का तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को जिनके पास भी अकाउंट नहीं है अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो आप लोग क्या करना नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप लोग वहाँ पे जाके अपना अकाउंट ओपन करके डेमो में इसको प्रैक्टिस कर सकते हो और मैं एक और लिंक दे दूंगा एक्सएम का अभी क्या ना वहाँ पे बोनस वगैरह मिल रहा है मतलब फॉरेक्स का ब्रोकर है जहाँ पर आप फॉरेक्स के पेयर्स पे ट्रेड कर सकते हो और इसके लिए मैं लाइव आता हूँ मंडे से लेकर फ्राइडे मेरा प्रदीप झा नाम का एक चैनल है मेरा हम लोगों का ही चैनल है आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो मैं शाम को चार से छः साढ़े बजे तक रहता हूँ लाइव तो अगर आप लोगों को बोनस वगैरह चाहिए होता है मतलब अगर ट्रेड जो भी लेवल से स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं उसका भी लिंक दे दूंगा उसमें आप अकाउंट ओपन करके बोनस वगैरह भी दे रहा है बहुत अच्छा नवंबर तक का है और अगर आपका मंथ के एंड तक फिफ्टी लॉट हो जाता है मतलब 50 लॉट में आप ट्रेड कर लेते हो लाइक like जैसे आप एक दिन में एक लॉट ट्रेड किए 0.5 से ट्रेड किए तो ऐसा मंथ के एंड में आपका 50 लॉट कंप्लीट हो जाए तो 250 सौ डॉलर के आपको बोनस भी मिलेगा मतलब आपका कैशबैक मिलेगा ठीक है तो सारा चीज़ है आप लोग देख लेना मैं लिंक इसका भी दे दूंगा तो जिनको वहां पर भी अकाउंट ओपन करना है कर लीजिएगा तो आपको बोनस जो भी आप डिपोजिट करोगे उस पर बोनस मिलेगा उससे आप ट्रेड करके अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो ठीक है तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू सो मच ब बाय टेक केयर एंड लव यू ऑल बा बाय